Good morning, my dear students. I hope you all are well. Students, today we will do a paragraph. A sound mind lives in a sound body. ठीक है, पैराग्राफ करेंगे हम आज. अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, मतलब जो तंदुरुस्त दिमाग होता है, हेल्दी दिमाग होता है, ठीक है, वो हेल्दी बॉडी में ही होता है. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू द पैराग्राफ, सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एंड आफ्टर दैट वी विल राइट डाउन दिस पैराग्राफ इन द नोटबुक्स. द प्रोवर्ब अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी इंसिस्ट्स दैट द माइंड एंड बॉडी शुड बी बोथ हेल्दी एंड साउंड. प्रोवर्ब होती हैं कहावतें, जैसे मुहावरे होते हैं ना पंजाबी हिंदी में, कहते कहावत है कि जो तंदुरुस्त दिमाग है वो तंदुरुस्त शरीर में ही, बॉडी में ही रहता है. ठीक है, और ये क्या कहती है, ये किस चीज़ पे जोर देती है ये कहावत, द इंसिस्ट दैट द माइंड एंड बॉडी शुड बी बोथ हेल्दी एंड साउंड, कि जो हमारा दिमाग है और हमारी बॉडी है दोनों ही तंदुरुस्त होने चाहिए. अ हेल्दी पर्सन कैन थिंक नॉर्मली एंड एक्ट इंस्टेंटली इन एनी गिवन सिचुएशन. कहते जो पर्सन हेल्दी होता है ना, तंदुरुस्त होता है, वो नॉर्मली आम रूप से सोच भी सकता है और फटाफट से किसी भी, कोई भी सिचुएशन हो, किसी तरह की कोई भी कंडीशन हो, उसमें एक्ट भी कर सकता है. ठीक है, उसमें उसको किसी कंडीशन में, किसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वो एकदम से उसका रिस्पॉन्स दे सकता है. अ साउंड बॉडी मीन्स अ हेल्दी बॉडी. ठीक है, साउंड बॉडी, तंदुरुस्त वो जो बॉडी, मतलब इसका मतलब होता है हेल्दी बॉडी. ठीक है, तंदुरुस्त जो रिष्ट पुष्ट हों, जिन्हें कोई डिसीज ना हो, फ्री फ्रॉम डिसीजेज, मतलब ठीक है, बीमारियों से मुक्त. A sound mind means a mind capable of good, positive and free thinking mind. और sound mind क्या होता है, sound mind का मतलब होता है ऐसा दिमाग जो योग्य हो, capable हो, ठीक है, अच्छा सोचने के, positive, ठीक है, अच्छी, अच्छा और free हो उसका mind. ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई, मतलब उसके दिमाग में कोई किसी तरह की कोई भी अनहेल्थ इशू की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो अच्छा सोच सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है, योग्यता है कि वो अच्छा सोच सके. अ हेल्दी बॉडी इज ऑब्टेन्ड बाय मेंटेनिंग अ गुड डाइट एंड गुड एक्सरसाइज टू कीप द बॉडी गोइंग. कहते जो हेल्दी बॉडी, तंदुरुस्त शरीर है, हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते, कैसे पा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, उसको कैसे रख सकते हैं, उसको अपनी जो डाइट है, अपनी जो हम खाना खाते हैं, उसे हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए. ठीक है, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए और हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए, कि वो बॉडी हमारी अच्छे से वर्क करती रहे. टू कीप द माइंड क्लीन वी शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग एंड ऑनेस्ट एटीट्यूड इन लाइफ. और अपने माइंड को स्वच्छ रखने के लिए, इसको तंदुरुस्त रखने के लिए, वी शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग. जो हमारी सोच है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए. हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मतलब मैं ये काम नहीं कर सकता, ये क्यों हो गया ऐसे, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए. हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि जो भी है अच्छा है, हमने अच्छा करना है. एंड ऑनेस्ट, और हमें ईमानदार अपना जो व्यवहार है वो ईमानदार रखना चाहिए अपनी लाइफ में. टू कीप अवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी वी शुड हैव गुड हैबिट्स, लाइक अपनी बॉडी को और अपने दिमाग को हेल्दी रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए हमें कुछ अच्छी आदतें डालनी चाहिए, जैसे कि नंबर वन इज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एंड डू एक्सरसाइज. सुबह जल्दी उठो, ठीक है, मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर के लिए जाओ और एक्सरसाइज करो. नंबर टू इज ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड. हमें फ्रेश, ताज़ा और जो संतुलित हेल्दी, ठीक है, भोजन होता है वो करना चाहिए. हेल्दी हमें फूड खाना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, चपाती, दाल, राइस, दीज ऑल थिंग्स आर हेल्दी एंड वी शुड ईट हेल्दी फूड. ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए और मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब जैसे मिल्क हो गया, मिल्क से कर्ड बनता है, ठीक है, बटर, पनीर, दीज ऑल प्रोडक्ट्स ऑल्सो वी शुड ईट. अवॉइड फ्राइड फूड्स एंड जंक फूड्स. हमें जो फ्राइड, मतलब तले हुए, जो तले हुए होते हैं खाने, वो और जंक फूड्स जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल, इन सबको अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, नंबर फाइव इज ड्रिंक 8 glasses ऑफ वाटर डेली. रोज हमें 8 glasses वाटर के पीने चाहिए.
नंबर सिक्स इज डू द मेडिटेशन फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स डेली. ठीक है, रोजाना हमें 5 मिनट्स के लिए ध्यान लगाना चाहिए ताकि हमारा माइंड जो है वो तंदुरुस्त रहे. मेडिटेशन करने के लिए चाहिए 5 मिनट्स के लिए. नंबर सेवन, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस ऑलवेज, इट विल गिव अ पॉजिटिव बूस्ट टू योर मूड. हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखो और ये हमेशा आपका जो मूड है उसको पॉजिटिवली बूस्ट करेगी, पॉजिटिव एनर्जी आप में आएगी. नंबर एट इज मेक समवन लाफ एंड लाफ विद देम. किसी ऐसा कुछ करो कि कोई दूसरा भी मुस्कराए. ठीक है, दूसरों को हंसाओ और खुद भी उनके साथ हंसो. नंबर नाइन इज रीड अ बुक दैट इंस्पायर्स यू. ऐसी कोई बुक पढ़ो जो आपको इंस्पायर करे. ठीक है, जिससे आप में इंस्पिरेशन आए, कुछ करने की चाह पैदा हो, इच्छा आप में आए. नंबर टेन इज कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम. अपना जो वर्क है, अपना काम है, समय पर उसको पूरा करो. सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ, अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, एंड आई होप यू ऑल विल फॉलो ऑल दिस थिंग्स इन योर लाइफ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. आप सब अच्छे बच्चे बनोगे और ये सारी गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ में फॉलो करोगे, सो दैट यू कैन बिकम अ गुड ह्यूमन बींग, गुड पर्सन. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे.